कोलकाता और बदलापुर घटनाओं के विरोध में निकला विशाल कैंडल मार्च। सामाजिक कार्यकर्ता भूषण फुसे ने किया नेतृत्व। रिमझिम बारिश में हाथों में न्याय के लिए कैंडल लेकर महिलाएं उतरी सड़क पर। रात 9 बजे तहसील कार्यालय खोलवाकर आक्रामक महिलाओं ने दिया निवेदन। जनता की बात न्यूज में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से लेकर महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर तक बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। देश भर में लोग आंदोलन कर रहे हैं। हर शहर में शैतान और हैवान घूम रहे हैं। कोलकाता में 31 वर्षीय चिकित्सक का यौन शोषण करने के बाद हत्या कर दी गई। महिला चिकित्सक का शव 9 अगस्त की सुबह अस्पताल के सभागार में मिला था। वहीं बदलापुर में स्कूल के सफाई कर्मी ने 4 वर्षीय 2 लड़कियों पर यौन हमला किया। कथित तौर पर दुष्कर्म एवं हत्याओं के विरोध में महिलाओं का गुस्सा फूटा है। घटना के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। चंद्रपुर जिले के राजुरा में सामाजिक कार्यकर्ता भूषण फुसे के नेतृत्व में कोलकाता और बदलापुर घटनाओं के विरोध में विशाल कैंडल मार्च निकाला गया। सामाजिक कार्यकर्ता भूषण फुसे के बस स्टैंड के बाजू में स्थित जनसंपर्क कार्यालय से सायंकाल 7 बजे मोर्चे की शुरुआत की गई। तब रिमझिम बारिश की फुहारें आ रही थी, लेकिन बारिश की परवाह किए बगैर महिलाओं ने हाथों में कैंडल लिए मोर्चा निकाला। कैंडल मार्च बस स्टैंड से मेन रोड, मेन मार्केट से होते हुए नेहरू चौक, स्वर्गीय नारायण सिंह उइके चौक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर चौक होते हुए संविधान चौक पहुंचा। संविधान चौक में विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पुतले को माल्यार्पण तथा मानवंदना कर रात 9 बजे हाथों में कैंडल लिए सैकड़ों महिलाओं का कैंडल मार्च तहसील कार्यालय पहुंचा। सैकड़ों महिलाओं का निवेदन स्वीकार करने रात में 9 बजे तहसील कार्यालय के अधिकारियों को आना पड़ा। इस दौरान 500 के करीब महिलाएं उपस्थित थी। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को माल्यार्पण तथा मानवंदना कर समापन किया गया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता भूषण फुसे ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हम दुष्कर्म की घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यह केवल पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र की बात नहीं है। हर दिन महिलाओं पर इस तरह के अत्याचार होने की खबरें हम सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई महिला दुष्कर्म का शिकार हो रही है। इसके लिए सख्त कानून बनाकर दोषियों को फांसी दी जानी चाहिए, ऐसी मांग की। दुर्दैव आहे की भारत देशामध्ये एकीकडे देवीची पूजा अर्चना होते, प्रत्येक घरोघरी देवीची प्रतिमा असते, मूर्ती असते आणि लाखो देवीचे मंडळ देवी बसवून देवीचा उत्साह साजरा करतात। आणि असे असताना या देशामध्ये चिमुकल्या 3-4 वर्षांच्या मुलींवरती बलात्कार होतोय, त्यांचा खून होतोय, ही फार निंदनीय बाब आहे। आमची केंद्र सरकारकडे आणि राज्य सरकारकडे ही मागणी आहे की कठोर कायदे तयार करा आणि त्याचबरोबर यंत्रणा अशी राबवा जेणेकरून त्या कायद्यांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे। आणि त्याही पुढे जाऊन माझ्या सगळ्या लाडक्या बहिणींची ही नम्र विनंती आहे की यापुढे सर्व बलात्कारांना सरसकट फाशी देण्यात यावी। महिलाओं के कैंडल मार्च को देखते हुए पुलिस ने सख्त बंदोबस्त रखा था। इस खबर पर अपनी राय अवश्य दें। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।